कतर। तेल एवं गैस के भंडार से होने वाली कमाई द्वारा कतर के रहवासी पूरे विश्व में दूसरे सबसे रईस लोगों में से एक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चीन अपने देश की आर्थिक विकास के नज़रिए से सबसे आगे है, तो मैं आपको बता दूं कि कतर चाइना के मुकाबले 3% ज़्यादा रफ्तार से विकसित हुआ है। वर्ष 2000 से लेकर 2010 तक चीन 10.57% तो कतर 13.95% के साथ चीन से आगे रहा है। कतर की ये बात सबसे अनोखी है। निकाह के बाद भी कतर में मुस्लिम महिलाएं चाहे तो अपने पति के नाम के साथ जुड़ सकती है या फिर अपने आधिकारिक नाम को ही बनाए रख सकती है। कतर के नागरिकों का सबसे पसंदीदा खेल सॉकर है। वर्ष 2022 में होने वाले इंटरनेशनल फीफा वर्ल्ड कप को कतर रिप्रेजेंट करेगा। इससे बड़ी उपलब्धि किसी देश के लिए और क्या होगी। बनियान या शॉर्ट्स पहनकर पुरुष टूरिस्टों को कतर में घूमने की इजाजत नहीं है। महिला टूरिस्ट को भी शॉर्ट ड्रेसेस या मिनी स्कर्ट पहनने की अनुमति कतर की सरकार नहीं देती। हर साल कतर में मोटोजीपी रेस होती है, जहां दुनिया भर से बाइकर्स इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। रोसेल इंटरनेशनल सर्किट द्वारा आयोजित मोटोजीपी रेस को कतर रिप्रेजेंट करता आया है। एक भी वस्त्र न पहने सन बात लेने की अनुमति कतर में किसी को नहीं है। मर्द वहां टी शर्ट पर सन बात ले सकते हैं। टूरिस्ट जो नाइट लाइफ के शौकीन होते हैं, म्यूजिक, बार्स और इत्यादि चीजों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उन्हें कतर के कैपिटल दोहा जाना पड़ सकता है। कतर में ये सब मुमकिन नहीं होगा। 1971 तक ग्रेट ब्रिटेन ने कतर पर राज किया। 1995 में क्राउन प्रिंस खलीफा ने ऐलान किया कि कतर यह एक आजाद मुल्क है और कतरियन महिलाओं को वोट करने का अधिकार भी दिलाया। हर साल 50 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट कतर के जाने माने हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतर ट्रैवल करते हैं। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व के सबसे बड़े और खूबसूरत एयरपोर्ट्स में 90वें स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है। इंडोनेशिया, दुबई और अन्य बड़े देशों की तरह कतरियंस को भी बिना शादी के सेक्स करने की इजाजत कतर की सरकार नहीं देती। अगर आप फुटबॉल मैच देखने के शौकीन हैं, तो कतर में बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां नेशनल लेवल पर मैचेस होते हैं। कतर ने अपने आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है, इसलिए इस अनोखे देश को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहते हैं, क्योंकि कतर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता।